बंगाल में सरकार बनाते ही सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर एक्शन में आ गई हैं। कल के बाद आज फिर उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना से लड़ने में काम आने वाली दवाइयों और उपकरणों को जीएसटी और कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंटेनर और दवाएं दान करने के लिए आगे आए हैं। कई डोनर्स ने इन पर सीमा शुल्क, जीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी से छूट देने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार से मांग की है। इनकी कीमतें केंद्र सरकार के कार्यक्षेत्र में आती हैं, इसलिए इन पर करों से छूट दी जाए, जिससे इस महामारी के खिलाफ कुशल प्रबंधन में दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिल सके। ममता बनर्जी के पीएम को लिखे पत्र का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर के जरिए जवाब दिया है। एक के बाद एक 16 ट्वीट करके निर्मला ने कहा है, इस तरह के सामान पर पहले ही सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट दी जा चुकी है। सरकार ने रेमडेसिविर टीका और इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के आयात को पहले ही सीमा शुल्क से छूट दे दी है। प्रधानमंत्री जी, कोरोना से देश को बचाने के लिए एक नेशनल प्लान बनना चाहिए। इस नेशनल प्लान के अंतर्गत देश के सभी ऑक्सीजन प्लांट्स को तुरंत आर्मी के जरिए केंद्र सरकार टेक ओवर करे। ऑक्सीजन प्लांट से निकलने वाले हर ट्रक के साथ एक आर्मी का एस्कॉर्ट व्हीकल रहेगा तो कोई उस ट्रक को फिर आगे रोक नहीं पाएगा। सर, दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुक्रगुजार हैं, लेकिन उसमें लगभग 100 टन ऑक्सीजन उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से आनी है। हम परसों से, जब से कोटा बढ़ा है, हम कोशिश कर रहे हैं उस ऑक्सीजन को दिल्ली लाने की। मेरा आपसे निवेदन है कि यहाँ से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाई जहाज से उपलब्ध करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अभी बताया गया आपका आइडिया है ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू करके वेस्ट बंगाल और उड़ीसा से हमें ऑक्सीजन दिलवाई जाए। आइडिया नहीं ऑलरेडी चल रहा है।